हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम कंप्यूटर अनुदेशक का है हमारा लेक्चर 9 है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी चीज़ें, और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर और यूनियंस होती है कंप्यूटर में वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी आपका, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा, फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है कि व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज देन वी क्रिएट दैट प्रोग्राम बाय डिवाइडिंग इन इट इन मैनी स्मॉल ब्लॉक्स एंड दिस ब्लॉक्स ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शंस। सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये बोल रहा है कि जब हम कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम कंप्यूटर में अंदर जो कोई भी मान लीजिए हमारी लैंग्वेज सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई भी, उसके अंदर हम अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जो हम आगे बढ़ेंगे वहीं। तो लेकिन अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो जो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम जो डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को वही क्या कहलाता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ कोड्स, जो उन ब्लॉक्स के जो कोड होते हैं उन्हीं को फंक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर अभी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा जो बोला है मैंने, बाकी नीचे जब डिस्कस करेंगे डिटेल दी तो इजीली समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस क्या होता है। अभी तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि फंक्शंस को यूज़ क्यों किया जाता है, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें फंक्शंस को यूज़ करने की। देखिएगा, यहाँ पर फंक्शंस की यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वेन वी मेक ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज देन मैनी सच सिचुएशन आर अराइज इन द प्रोग्राम इन विच वी नीड टू यूज द सेम कोड अगेन एंड अगेन। आपने अगर प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता है, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमने कोई संख्या कोई मान लीजिए ए टू जेड तक कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया, ए बी सी डी लिख दिया हमने, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, और फिर से हम उस अल्फ़ाबेट को जो है ना फिर से रिपीट करवाना चाहते हैं, 10 बार लिखना चाहते हैं, मान लीजिए 10 बार या 20 बार प्रोग्राम के अंदर रिपीट करवाना चाहते हैं, तो हम फिर से नीचे एक बार क्या कर लेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो है ए टू जेड तक एक बार लिख देंगे, अगर हमसे रिपीट करवाना है उस ए बी सी डी को वापस से, तो हम क्या करेंगे फिर से ए टू जेड तक हम वहाँ पर नीचे लिखेंगे, जितनी बार रिपीट करवाना है हमें जितनी बार उसको लिखेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम कोडिंग जो कोडिंग है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार जो है रिपीट करेंगे तो प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो बढ़ती जाएगी, तो काफ़ी लेंदी प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि उसमें जो एरर्स के जो चांसेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जो डुप्लीकेशन है यानी कि काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाएगा उसके अंदर, अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ कोड्स, और उससे क्या होगा बग्स की जो है संभावना काफ़ी हो जाएगी, एज वेल एज प्रोग्रामर कैन फील इट बोरिंग टू राइट द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन। और उसमें एक चीज़ और होगी कि जो प्रोग्रामर है वो भी बोरिंग फील करने लग जाएगी, क्या एक ही कोड बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे सामने आएंगी। तो इन सभी इश्यूज को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। अब ये फंक्शंस कैसे सोल्व करेंगे हमारे इन इश्यूज को, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं, इस सिचुएशन में हम फंक्शंस का यूज करते हैं दैट वी कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन एट वंस बाय रिप्लेसिंग मैनी स्टेटमेंट इन ए ग्रुप एंड इफ रिक्वायर्ड कैन वी यूज दैट फंक्शन बाय कॉलिंग इट मैनी टाइम। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे हमने अल्फाबेट लिखनी है पूरी की पूरी उसके अंदर आउटपुट के अंदर दिखानी है, तो हम मान लीजिए एक बार अगर हमें आउटपुट देना है तो एक बार तो हम लिख देंगे मान लीजिए ए टू जेड तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, लेकिन हमें दोबारा से वही नीचे आउटपुट में फिर से एक बार अल्फा ए टू जेड तक दिखाना पूरा लेटर्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे ए टू जेड के लिए, जो अल्फा मतलब कि पूरा जो मतलब कि हमारा जो अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक का, उनके एक बार लिख के उनको हम फंक्शन बता उसको फंक्शन डिफाइन कर देंगे। मान लीजिए कोई भी फंक्शन नाम दे दिया, यहाँ पर आपने फंक्शन दे दिया, ये अल्फाबेट नाम दे दिया फंक्शन को, अल्फाबेट नाम दे दिया, तो अब आगे आप जब भी बोलोगे कि मुझे इस अल्फाबेट को फिर से लिखना है तो आपको वहाँ पे अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल और केवल जो फंक्शन का नाम दिया आपने उसको लिखना है। हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या दिया, अल्फाबेट लिखा,
अल्फाबेट, ठीक है। तो हमको केवल फंक्शन में आगे जब भी इसको रिपीट करवाना है इस कोड को, तो केवल अल्फाबेट ही लिखना है, केवल नाम लिखना है फंक्शन का, कोई भी नाम दे दीजिए आप। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर हम बात करें, यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में आता है जिसको यूजर डिफाइंड, आप अपना नाम लिख दीजिए फंक्शन की जगह। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन को आपका नाम दे दीजिए। जब भी आप नीचे फंक्शन इक्वल टू जो भी आप कोड है, उस कोड को जब भी आपको रिपीट करवाना है, तो आप वहां पे रिपीट करने की जगह आप अपना नाम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम जो कोड है वापस से वहां पे रिपीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे टाइम की बचत होगी, कोडिंग बार बार नहीं करनी होगी हमें, और जो प्रोग्राम है जिसे कोड काफी ज्यादा बड़ा होता है, ए टू जेड तक हम एल लिखेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, तो वो काफी लंबी होती है। वहीं अगर उसको फंक्शन एक छोटा सा नाम दे दिया हमने, तो एक छोटी सी जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे समस्या को सोल्व करते हैं। अब फंक्शन तो समझ में आया आपके, अब यहाँ पर बात करते हैं फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। फंक्शन होते हैं दो टाइप्स के मेनली, यहाँ पर फंक्शन जो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि प्री डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शंस, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस की। देखिएगा यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन दैट ऑलरेडी डिफाइंड इन द लाइब्रेरी फाइल्स आर कॉल्ड प्री डिफाइंड। पहले से लाइब्रेरी के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं जो फंक्शंस, ठीक है, उनको प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, या फिर बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं, जो पहले से यहाँ पर हेडर फाइल्स में डिक्लेयर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस के कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जो प्रिंट एफ है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, स्कैन एफ है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये कुछ जो है एग्जांपल है प्री डिफाइंड फंक्शंस के, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हेडर फाइल्स में डिक्लेयर्ड होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये डिक्लेयर्ड, हेडर फाइल्स में। अब यहाँ पर हेडर फाइल्स जैसे कि ये स्टूडियो डॉट एच, कोइनो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ये हेडर फाइल्स होती है हमारी, आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल चीज को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पहले इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर इन्हीं चीज को हम बता देते हैं आपको। जो हेडर फाइल्स, मैंने बोला कि जो जो प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं, जो मतलब फंक्शंस होते हैं, वो हेडर फाइल्स में ऑलरेडी स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम आपके सामने रखा है, ये एक प्रोग्राम है एग्जाम्पल है, जिसमें हम बताते हैं आपको, ये है आपकी हेडर फाइल्स, ये आपकी हेडर फाइल्स है, ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो यहाँ पर जो है पहले से जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो पहले से यहाँ पर इसके अंदर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जस्ट हेडर फाइल्स होती है, उसके जस्ट नीचे जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस को यहाँ पर ऐड के रखा होता है पहले से, जिसमें वो जो हमने यूज किया था अभी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो इनको आगे हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं, अभी आपको समझना है कि हेडर फाइल टॉप पर रहती है और उसी के जस्ट नीचे आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे हुए होते हैं या और अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस के जो है क्या है, एग्जाम्पल है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, और भी होते हैं, बाकी यहाँ पे मेन मेन हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपकी हेडर फाइल्स होती है, स्टूडियो डॉट एच, कोइनो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद में हम आते हैं आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे। प्री डिफाइंड में हमने समझ लिया, अब आते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यूजर डिफाइंड का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, जो यूजर के द्वारा डिफाइंड किया जाता है, जो प्रोग्राम बना रहा है, जो प्रोग्राम बना रहा है या प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्रोग्राम है उसके द्वारा खुद अपनी मर्जी से जो मतलब कि फंक्शंस बनाए जाते हैं, वो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं। वो कुछ भी बना देगा, कुछ भी, जैसे कि उसका खुद का नाम भी अगर वो लिखता है, तो वो आपका जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो एक फंक्शन है। कोई भी नाम दे देगा आपको, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी दे देगा, वो एक फंक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमने फंक्शंस तो पढ़ लिए, कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो भी पढ़ लिए, अब यहाँ पर क्रिएट कैसे करते हैं फंक्शन को। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है, कि वो फंक्शन बन जाए और हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, कोई एरर ना आए उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कोई भी यहाँ पर जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जब जाके हमारा यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है वो रेडी होता है और वो रन होने में सक्षम होता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन किस नाम से है। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड का नाम का एक फंक्शन लिया, तो आपका ये डिक्लेरेशन हो गया कि आपका फंक्शन का नाम क्या है, एक्स वाई जेड।
तो ये तो आपने कर लिया डिक्लेरेशन। दूसरा नीचे आता है कॉलिंग ऑफ फंक्शन, उसके बाद में कॉलिंग ऑफ फंक्शन आएगा जो कि आपको फंक्शन को जो है किस तरीके से कॉल कराना है वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद में होता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका फंक्शन तो आ गया लेकिन फंक्शन से क्या करवाना है, आपको काम क्या करवाना है, जो आपका मतलब कि आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, तो वो आता है आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो तीन जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेनली रिक्वायर्ड होती है एक फंक्शन को क्रिएट करने में, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपके सामने, इसमें सारी चीज़ें आपके क्लियर होगी, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया टॉप पर जो प्रोग्राम लिखा होता है, कोई प्रोग्राम है आपका मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें टॉप पर होती है आपकी हेडर फाइल्स, ये जो यहाँ पर है ये हेडर फाइल्स आपकी। उसके बाद में होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने दूसरा जहाँ पर यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था कि जो इसके अंदर पहला जो काम होता है वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डिक्लेयर करना। अब यहाँ पे हमने जो है एक फंक्शन लिया है और वो फंक्शन कौन सा है, एडिशन नाम से फंक्शन है। किस नाम से, एडिशन नाम से जो है एक फंक्शन हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है जो यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है, ये वाला हमने फंक्शन बना लिया इस नाम से। चलिए ये समझ में आ गया। हेयर इंटीजर इज ए रिटर्न टाइप, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, एडिशन इज फंक्शन, एडिशन तो क्या है फंक्शन है एक, और इंटीजर आई एन टी जो है एक रिटर्न टाइप वैल्यू है, और यहाँ पर आई एन टी इंटीजर न्यू नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड इज ए आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है ये नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम डिटेल्स में इनको। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपको क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया एडिशन नाम से। उसके बाद में आपका क्या आता है, फंक्शन को कॉल करना, हमने बताया था फंक्शन को कॉल करना, तो यहाँ पर आपका आता है फंक्शन कॉलिंग का। अब फंक्शन को यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए आपने जो है कोई भी वेरिएबल, पहले फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको एक वेरिएबल तो डिसाइड करना होगा कि किस वेरिएबल को अपन को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले से वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, डिक्लेयर कर लिए वेरिएबल्स को। अब यहाँ पर वेरिएबल्स थ्री यहाँ पर इक्वल टू क्या किया है, एडिशन वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड, तो यहाँ पर ये फंक्शन है इसको हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको काम क्या करवाना है उससे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर वो बताना है, ये कॉल जब ही करेगा जब आप यहाँ पर इसके अंदर आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, आप बोलोगे कि एडिशन इक्वल्स टू क्या करना है, हमें एडिशन इक्वल्स टू क्या करना है, तो एडिशन इक्वल्स टू हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम क्या करना है, नंबर फर्स्ट और नंबर टू को सम करना है, इसलिए यहाँ पर ये हमने डेफिनेशन दे दिए इसको फंक्शन को। अब ये क्या करेगा, जब भी आप कॉल करोगे फंक्शन को तो ये इस डेफिनेशन को निकाल के आपने सामने रख देगा, और जो भी जो आपके इंटीजर नंबर है नंबर वन प्लस नंबर टू इनको आपको ऐड करके दे देगा, ठीक है, सम करके दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन डेफिनेशन हो जाती है। तो इस तरीके से तीन पार्ट में हम जो है किसी भी जो मतलब कि फंक्शन है उसको क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा नीचे हम आते हैं, थोड़ा सा नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं। हमने अभी ऊपर देखा कि फंक्शंस को कॉल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यूजर डिफाइंड। अब किस किस टाइप से कॉल कर सकते हैं आप फंक्शन को, यहाँ पर चार टाइप से फंक्शंस को आपको कॉल कर सकते हैं। एक तो फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, इस तरीके से भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दूसरा है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू, इसके अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आपका लेकिन एक वैल्यू जो है वो रिटर्न वैल्यू अवेलेबल होगी। वहीं तीसरा जो टाइप है कॉल करने का उसमें फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट होगा उस फंक्शन में लेकिन वैल्यू जो है नो रिटर्न होगी, यानी कि जीरो होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। और एक चौथा होता है आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू, इसमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी होगा आपका और रिटर्न वैल्यू भी होगी आपकी। तो इस चार टाइप से हम जो है किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब वन बाय वन एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कॉलिंग वाला मेथड है वो है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ये वाला टॉप, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट
एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता इस फंक्शन में और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं होती। तो किस तरीके से आप जो है इस फंक्शन को लिखते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी डू नॉट राइट एनी आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हैं इनसाइड द पैंथेसिस। पैंथेसिस ये इस ब्रैकेट को बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पर हम नीचे डिस्कस करेंगे ये वाला जो ब्रैकेट है इसको, ठीक है। एंड देयर रिटर्न टाइप इज वॉइड। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होता है? वो वॉइड होता है, मतलब कि कुछ नहीं होता है, एक खाली होता है रिटर्न टाइप। बिकॉज देयर आर नो रिटर्निंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर नो रिटर्न वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, तो रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर वॉइड यूज करते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब रिटर्न जो वैल्यू है वो कुछ नहीं होती है यानी कि खाली होती है, तो हम वॉइड का यूज करते हैं। किसका? वी ओ आई डी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या तो आप इसको जो है खाली छोड़ दीजिए, या फिर इसके अंदर जो है आप क्या लिख दीजिए, वी ओ आई डी वर्ड। इसका मतलब होता है कि नो रिटर्न वैल्यू या नो आर्ग्यूमेंट इसका मतलब होता है। अगर आप इसके यहाँ पर इसकी जगह वॉइड की जगह क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज कर लेते हैं, आई एन टी जो होता है इसका, आई एन टी यूज कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपका अवेलेबल होता है, वैल्यू अवेलेबल होती है इंटीजर टाइप की। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू यूज करते हैं तो उसके अंदर void ना जो है यहाँ पर वो यूज किया जाता है। void का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, या फिर void यूज नहीं करोगे यहाँ पे तो इसको खाली छोड़ दीजिए ब्रेकेट को, इसको हम जो हम बोलते थे parenthesis, ठीक है, इसको खाली छोड़ोगे उसका मतलब भी यही है। तो ये आपका यहाँ पर आपने मान लीजिए नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू के अंदर ये आपके हेडर फाइल्स आ गई। फिर हमें क्या करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, एडिशन नाम का हमने फंक्शन, फिर से वही फंक्शन बना लिया, मान लीजिए हमने एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम void या यहाँ पर खाली ब्रेकेट, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर नो रिटर्न वैल्यू है। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके के फंक्शंस में क्या होता है, हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, जो पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखते हम, ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो भी क्या होता है, void होता है। रिटर्न वैल्यू के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी void है आपकी रिटर्न वैल्यू भी, तो दोनों यहाँ पर void है, इसका मतलब नो नो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं। इस प्रोग्राम में हमने फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन के समय किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है, इसलिए फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे जो पैरेंथिसिस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसके अंदर हमें void data type का उपयोग किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा जो टाइप होता है हमारा वो है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड ये रिटर्न वैल्यू। अब इसमें समझिएगा, नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन ये रिटर्न वैल्यू इसके अंदर जरूर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर हम क्या होंगे, रिटर्न वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, इस तरह के फंक्शन के अंदर जो पैरेंथिसिस है उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, जो पैरेंथिसिस है इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसको या तो खाली छोड़ दीजिए या void लिख दीजिए, ठीक है, वही बात है। तो इस तरीके के जो फंक्शंस हैं इसके अंदर जो पैरेंथिसिस है हमारा, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हैं, मगर रिटर्न टाइप क्या होता है आपका, इंटीजर होता है। क्या होता है, रिटर्न टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न वैल्यू विद ये रिटर्न वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आपका मैंने बताया था जब नो की जगह आपका रिटर्न वैल्यू अगर अवेलेबल है तो उसको आप इंटीजर से डिफाइन करते हैं, अगर नहीं हो तो वी ओ आई डी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, void से। तो ये यहाँ पर आपका इसलिए इंटीजर आ गया, ऊपर वाले में आपका इंटीजर की जगह क्या था, यहाँ पे void था, ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई आपकी, और इंटीजर के साथ साथ हम कुछ और भी जो है यहाँ पर वैल्यू यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल करेक्टर्स जो है इन सभी को, सी एच आर इसको यूज कर सकते हैं, एक एफ एल इसको यूज करते हैं, और एक आपका डी ओ यू बी एल डबल को यूज करते हैं, इन चीज़ों को भी यहाँ पर यूज करते हैं इंटीजर की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये रिटर्न टाइप फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर इनको मेंशन करते हैं। तो ये आ गया, अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम में हमने जो है क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन डिक्लेरेशन के समय किसी भी आर्ग्यूमेंट का उपयोग नहीं किया है, लेकिन
यहाँ पे फंक्शन इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन के रिटर्न टाइप में हमने क्या लिखा है, इंटीजर। रिटर्न टाइप में क्या लिखा है हमने, इंटीजर, क्योंकि ये यहाँ पर रिटर्न वैल्यू आपका जो है दे रहा है हमें यहाँ पर डेफिनेशन के नाम के साथ, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा यहाँ पर आता है आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट तो होगा आपका, आर्ग्यूमेंट मतलब कि जो हमारा पैरेंथिसिस है उसमें कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन रिटर्न वैल्यू कोई नहीं होगी हमारे पास। रिटर्न में क्या होगा हमारा, वी ओ आई डी होगा रिटर्न में। तो चलिए वही देख लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर जो मतलब कि आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट यानी कि ये रहा आपका जो पैरेंथिसिस है, हमने इसको बताया था कि इसमें कोई वैल्यू होती तो उसमें वो आर्ग्यूमेंट, तो इसमें इंटीजर वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू है वो वॉइड है। यहाँ पर देखिएगा ये रिटर्न वैल्यू के लिख दी हमने, वॉइड लिख दी। तो इसका यही वजह है, नाम से ही बस आपको समझ में आ रहा है वही चीज़ है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी है, मतलब इसमें यहाँ पर रिटर्न वैल्यू में इंटीजर आएगा और जो हमारा पैरेंथिसिस है उसके अंदर भी कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर पैरेंथिसिस था हमारा यही, ठीक है, उसके अंदर इंटीजर ले लिया हमने और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या ले लिया, आर्ग्यूमेंट भी आपका इंटीजर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। और वही आपका ये आपने जो है डिफाइन कर दिया फंक्शन एडिशन नाम से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है चारों के अंदर। जो भी आपको मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर पैरेंथिसिस के अंदर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आपको खाली छोड़ना है या फिर वर्ड लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पास रिटर्न वैल्यू है तो आपको इंटीजर यूज करना है, और अगर नहीं है तो आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा फंक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर हम प्रोग्राम में देखते हैं एम ए आई एन मैन और पैरेंथेसिस, ठीक है, ये भी एक फंक्शन टाइप, फंक्शन का ही टाइप है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे ऑप्शन दे दिया कि ये इनमें से कौन सा फंक्शन का टाइप है, मैन भी एक फंक्शन का टाइप, कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, जो भी हम यूजर डिफाइंड में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो वह मैन के भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो है ये मैन से ही शुरू होता है, मैन पैरेंथेसिस से शुरू होता है। इसके अलावा जो भी है यहाँ पर देखिएगा, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी। तो हमारा फंक्शन और फंक्शन के टाइप हमने डिस्कस किए हैं जो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो है यूनियन एंड स्ट्रक्चर का। चलिए यूनियन एंड स्ट्रक्चर को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यूनियन एंड स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है यूनियन एंड स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर जो है क्या करता है, स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन एक, मतलब कि जो मतलब कि स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, करने का काम करता है। जैसे कि जो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को जो है ये स्टोर करने का काम करता है स्ट्रक्चर, ठीक है, अपने अंदर। और इसको किस तरीके की वर्ड से डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्ट की वर्ड से डिफाइन किया जाता है, किस की वर्ड से, स्ट्रक्ट की वर्ड से इसको डिफाइन किया जाता है, STRUCT। उसके बाद में अब यहाँ पर ये तो स्ट्रक्ट की स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर यूनियन की डेफिनेशन क्या है, यूनियन क्या होता है, यूनियन आल्सो स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर जो हेट्रोजीनियस एलिमेंट वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने, और इसे यूनियन कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन में आपको कोई भी अंतर नहीं नजर आ रहा स्ट्रक्चर और यूनियन की में, ये भी आपका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है और यूनियन भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो फिर यहाँ पर इनका यूज क्यों किया जाता है, एक का ही यूज कर ले हम दोनों का यूज क्यों करते हैं, तो इनका डिफरेंट हम जान लेते हैं कि दोनों में स्टोर तो करते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर और यूनियन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को, लेकिन स्टोर करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में स्टोर करने में, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन हम ये समझ लेते हैं। चलिए डिफरेंस देखिएगा, स्ट्रक्चर इधर, ये स्ट्रक्चर आपका, इधर ये यूनियन है आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट की वर्ड का यूज किया जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट की वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि यूनियन को डिफाइन करने के लिए यूनियन की वर्ड का यूज किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रत्येक मेंबर को एक यूनिक मेमोरी स्पेस दिया जाता है, हर मेंबर को स्ट्रक्चर में स्टोर जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट होते हैं, उनको अपना खुद का एक अलग अलग जो है स्टोरेज स्पेस दिया जाता है,
भाई तू वाला, तू ये वाला ले ले, आप ये वाला ले लो, ये वाला, ये सब मेंबर्स को, सब एलिमेंट्स को अलग अलग जो है मेमोरी स्पेस दिया जाता है। लेकिन जो यूनियन होता है इसमें क्या होता है, जब सभी मेंबर्स को एक ही में स्पेस दिया जाता है, एक में ही सबको भर दिया जाता है कि हाँ सभी आप इसमें आ जाओ, एक ही मेमोरी स्पेस के अंदर जो है सभी मेंबर्स को रख दिया जाता है, या सभी मेमोरी जो सभी एलिमेंट्स है वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर कर लेते हैं। तो ये एक तो ये डिफरेंस हो गया आपका दोनों में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, यदि किसी एक डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरे डेटा मेंबर्स पर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को अलग अलग मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूँ तो ये तो अलग है, इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी चेंज करेंगे तो इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बाकियों पे, अगर इसकी करेंगे तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो केवल एक की चेंज करने, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है ना, सब अलग 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 मेमोरी रखते हैं अपने। वहीं अगर यूनियन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं सारे एलिमेंट। तो अगर एक एलिमेंट की आपने जो है वैल्यू चेंज कर दी तो सारा का सारा एक स्पीच हो जाएगा, सारे वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। दूसरा डिफरेंट हो गया ये वाला। तीसरा डिफरेंस क्या होता है इसमें, एक समय में एक से ज्यादा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। देखिएगा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेंबर्स अलग अलग मेमोरी एलोकेशन के साथ होते हैं, तो एक समय के साथ जो है इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा मेंबर्स को जो है यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सारे की सारे मेमोरीज जो है अलग अलग है, सबके एलोकेशन जो है अलग अलग है, इसलिए हम एक्सेस कर सकते हैं एक साथ मैनी को। लेकिन यहाँ पर जो है जो यूनियन है इसमें केवल और केवल जो है एक ही मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है एक साथ, ठीक है। उसके बाद में फ्लेक्सिबल एरे को जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर, जबकि यूनियन जो है ये फ्लेक्सिबल एरे को सपोर्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंटीजर एज ले लिया यहाँ पर, कैरेक्टर नेम ले लिया 50, फ्लोट से ले, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग, ये जितने भी जो चीज़ें हैं अलग अलग स्टोर होंगी, जैसे कि एज को अलग स्टोर किया जाएगा ये, नेम को अलग, उसके बाद में सैलरी इनको अलग स्टोर करेगा ये। वहीं यूनियन की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये एक ही इसके अंदर स्टोर हो जाएगी स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के तीन चार जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका जो है स्ट्रक्चर यूनियन का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। डिफरेंस हमने जान लिया है क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो ये दो पॉइंट थे, दो टॉपिक थे जो आज हमने इसमें कवर किए हैं, और बाकी के जो मतलब कि आज के इन दो ही टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, बाकी जो नया टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।